मैक्लोडगंज के प्रतिष्ठित होटल कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। होटल कर्मचारी संघ, जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, ने होटल प्रबंधन पर पदाधिकारियों से अभद्र व्यवहार और 3 सूत्रीय मांग पत्र पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। TMS की क्या पहचान? क्या समस्या? भारत माता की जय। TMS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। TMS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैक्लोडगंज के प्रतिष्ठित होटल कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा के नेतृत्व में जिला प्रशासन को इन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में होटल प्रबंधन के नकारात्मक रवैये के प्रति रोष जताते हुए कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही का आग्रह किया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 जून से होटल कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा ने बताया कि होटल प्रबंधन ने संघ के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन वार्ता के दौरान होटल प्रबंधन ने संघ के पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। होटल प्रबंधन कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, जिसे वे सहन नहीं करेंगे। मजदूर संघ ने कहा कि जिला प्रशासन को उन्होंने एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, इसके बावजूद होटल प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगे ना तो मानी है, और अगर यह क्रम जारी रहा तो 15 जून से सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। कि जो उसने बदतमीजी की है और जो बात नहीं करना चाहता, जो कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानना चाहता, अगर वो नहीं मानता तो 15 तारीख को निश्चित तौर पर सभी कर्मचारी वहां के हड़ताल पे चले जाएंगे और उसका होटल बंद हो जाएंगे। 15 वर्षों से जो लोग लगे हुए हैं उनको केवल मात्र 6,000 रुपया ही वेतन दिया जा रहा है। जब हमने रात को पूछा कि भाई जो 10 वर्ष के बाद स्केल अरवाइज होते हैं, आपने क्यों उनकी गुलाम नहीं करते हैं? मतलब इतनी बड़ी धक्काशाही, इतनी बड़ा डिक्टेटरशिप, और इतना मतलब जो उसकी घरवाली और वो जैसे उन गरीब लोगों का वहां पे शोषण कर रहे हैं, जो भारतीय मजदूर संघ उनका शोषण नहीं होने देगा। मैक्लोडगंज स्थित प्रतिष्ठित होटल के कर्मचारी संघ के प्रधान केवल कुमार का कहना है कि होटल में 65 कर्मचारी काम करते हैं। संघ ने होटल प्रबंधन से कर्मचारियों को 12,000 वेतन देने, 20% इंक्रीमेंट और आईडी कार्ड देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में होटल में कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। महंगाई के दौरान में कर्मियों को मात्र 6,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जो कि नाकाफ़ी है। इसके चलते होटल कर्मियों ने 12,000 रुपये वेतन की मांग की है। वहीं 15 साल से काम कर रहे कर्मियों को आज तक इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है। यह नहीं, होटल कर्मियों को आज तक आई कार्ड भी इशू नहीं किए गए। के चैनल के लिए धर्मशाला से दीपी बादल की रिपोर्ट।